हाँ जी फ्रेंड्स, आपको एक बच्चे का शौक करवा रहे हैं जी। ये बच्चा आज माशाल्लाह तीसरी बड़क में अभी शाम बैठा है, अभी अजान आई है मगरब की। तो बच्चे का आप शौक करें, इसका पार देखें। ये अभी इसकी ये दसवीं कली है, वो छोटी है, ये देखें आपको नज़र आ रही है इसका आँख का शौक करें। तो माशाल्लाह आज तीसरी बड़क में ये शाम बैठा है जी, बड़ी मुश्किल से बिठाया। ये देखें, ये मियाँ वाली ब्रीड में से, मियाँ मंशा ब्रीड में से, नली मोजे अंदर वाली साइड से ये नली मोजे होते हैं। ये देखें, चेक करें जी, माशाल्लाह। अभी आँख भी जो ना वो साफ नहीं हुई, अभी आँखें इसकी ना पीली आँख में है। ये एक पल्ला इसका, ये इसका दूसरा पल्ला जी। परों की नफासत चेक करें और परों की मलामियत देखें, एक पार के पीछे दूसरा पार, कितना इतनी दूर से भी आपको वाजह नज़र आ रहा है। तो ये खूबी होती है कबूतरों की, मलाइम हो रेशम जैसे, और इनके पार के पीछे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है ना नीचे वाला पार, जितना वाजह आपको जितना वाजह नज़र आएगा कबूतर, उतना ही आपका क्वालिटी में होगा, उतना ही अच्छा होगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल शीशा पार है इनके, इसके कितनी दूर से भी आपको बिल्कुल पीछे वाले पार जो वाजह नज़र आ रहे हैं, चेक करें क्या बात। इसका बंतर चेक करें, बिल्कुल अभी बच्चा है, पहली कली भी नहीं इसने गिराई, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 10 की 10 कलियाँ। अभी ये अभी इसकी कली छोटी है तो गिरानी क्या इसने, ये बड़ी होगी तो फिर वो अभी गिराएगा। इसके माँ बाप का भी आपको इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। तो ये मियाँ वाले कबूतरों में से है, मियाँ मंशा वाले कबूतरों में से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लो जी आ गए, अल्लाह की खैर ना बैठन, शाम हो गई, शुक्र हटिया उतो, आ गए बैठ लो। शाबाश, भाई दिन अज इनकी आखिरी उड़ान है, इन्हू मैं कैच फेर के बच्चे ही करना, बच्चों वास्ते रख लेना, क्या बात। अरे आ जा बस कर, पकड़ा मैं आना आना पकड़ा, ओ उत्ते दिसदा पे पट्ठा आ गया, नहीं दिसदा पे, अच्छा वो साले फिर उतां गए हुए।